दोस्तों, खरबूजा शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और विटामिन सी आदि पाया जाता है। इसको खाने से इम्यूनिटी मजबूत होने के साथ शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। खरबूजा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसका मीठा स्वाद लोगों को काफ़ी पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खरबूजा खाने के बाद कई चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। खरबूजा खाने के बाद इन चीज़ों को खाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। खरबूजा खाने के बाद इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं, खरबूजा खाने के बाद किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तुरंत पानी ना पिएं। जी हाँ, खरबूजा खाने के बाद तुरंत पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हैजा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में खरबूजा खाने के बाद पानी पीने से बचें। खरबूजा में 95% पानी होता है, जो गर्मी से शरीर का बचाव करता है। खाली पेट खाने से बचें। खरबूजा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसको खाने से पहले ध्यान दें कि इसे खाली पेट ना खाएं। खाली पेट खाने से कई तरह की समस्याएं होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खाली पेट खाने से डायरिया की समस्या भी हो सकती है। खट्टी चीज़ें न खाएं। खरबूजा शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, इसको खाने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से बचें। खरबूजा खाने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से पेट में मरोड़ और अपच की समस्या हो सकती है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खरबूजा खाने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। कई फलों के साथ मिलाकर न खाएं। खरबूजा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को कई तरह के फायदे भी देता है, लेकिन इसको खाते समय ध्यान दें कि इसे कई फलों के साथ मिलाकर न खाएं। खरबूजा की तासीर ठंडी होती है, ऐसे में इसे अलग तासीर के फलों के साथ खाने से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। रात को न खाएं। खरबूजा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, इसको रात में खाने से बचना चाहिए। रात में खरबूजा खाने से पचने में परेशानी हो सकती है और ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ सकता है। ऐसे में शरीर को हेल्दी रखने के लिए रात में खरबूजा खाने से बचें। खरबूजा खाने के बाद इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।